देश आजादी दिवस की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी के तहत ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर झंडारोहण किया, तो वहीं इसके बाद वह पीसीसी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया। पीसीसी मुख्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम के पश्चात सीएम गहलोत यहाँ से बड़ी चौपड़ के लिए रवाना हुए, जहाँ पर झंडारोहण कार्यक्रम में भाग लिया और झंडारोहण किया। और बड़ी चौपड़ पर आयोजित हुए कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत अमर जवान ज्योति स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। इसके बाद राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करने के बाद सचिवालय परिसर में झंडारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने जयपुर स्थित मिनी सेक्रेटरिएट भवन पर झंडारोहण किया। इस मौके पर महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने भी जिला कलेक्ट्रेट भवन पर झंडारोहण किया। इस मौके पर महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया, तो वहीं कलेक्टर ने इन सभी बालिकाओं से मुलाकात भी की। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर जयपुर के दोनों नगर निगमों में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर में कार्यवाहक मेयर शील धवाई ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं नगर निगम हेरिटेज में मेयर मुनेश गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान वहां के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे।